अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। शाही नगर एलएन कॉलोनी इलाके में कुछ लोगों की जानिब से जियो का टावर लगाने पर मुकामी अवाम की नाराजगी पाई गई, आइए देखते हैं सपोर्ट। शाही नगर एलएन कॉलोनी इलाके में अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक जियो का टावर लगाया जा रहा है, जिससे नाराज होकर मुकामी अवाम कई बार उनसे वो लोग से कहा कि यहाँ पर टावर ना लगाए, बावजूद इसके वो लोग सुन नहीं रहे हैं। इसके बाद जलपल्ली कमिश्नर से मुलाकात की यूसुफ पटेल मुकामी लीडर की सदारत में और उनको एक शिकायत दी। बताया जा रहा है कि ऐसे टावरों की वजह से बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, कई लोग बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। चंद रुपयों के लिए ये लोग कई लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने की जरूरत है। बहरहाल देखना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। महमिद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जलपल्ली म्युनिसिपल आकर हम लोग एक मेमोरेटम दिए हुए हैं कमिश्नर अहमद सैफुल्ला साहब को। हमारे पास अलैन कॉलोनी में एक टावर लगाया जा रहा है। तमाम एरिया के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में टावर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर 3 से 4 स्कूल है आजू बाजू में, उसी वजह से पब्लिक को तकलीफ़ होती है बोलकर आवाम की एक कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी करे हैं कि भाई यहाँ पर टावर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टावर लगाने से बहुत सारे नुकसानात है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे मासूम बच्चे है। 3 से 4 स्कूल बोले तो कम से कम 4,000 बच्चे हैं वहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले। OS स्कूल है, शाइन मॉडल स्कूल है, हबीब मेंशन स्कूल, यानी 4 स्कूल है। तो इस यहाँ पर हम लोग अभी जलपल्ली म्युनिसिपल आए हैं। जलपल्ली म्युनिसिपल में अगर से यहाँ से अगर से लोग सुन लिए तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, यानी वरना फिर हम लोग MRO साहब के पास जाएंगे, RDO साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। ये पब्लिक चाह रही है ये टावर नहीं, क्योंकि टावर यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। टावर अगर से लगेगा तो बहुत सारे जगह पर जाकर जो है ना इसके लिए धरना भी होएगा बोलकर आवाम कह रही है। तो हम हमारे कमिश्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को यहीं पर रोक दीजिए, यानी वरना फिर पब्लिक निकल कर कुछ गड़बड़ कर देंगी तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग ही रहेंगे, क्योंकि आवाम कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आवाम को तकलीफ़ है तो आवाम उस बेस पर कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए आवाम चाह रही है कि भाई कलेक्टर ऑफिस, MRO ऑफिस, RDO ऑफिस, सभी जगह पर ये लोग जाने वाले हैं। अगर से यहाँ पर अगर से म्युनिसिपल में अगर से ये मामला नहीं रुक गया तो इंशाल्लाह हम भी उनका साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम लोग शाहीन नगर अलैन के रहने वाले हैं। हमारे घर के बाजू में 5 स्कूल हैं, OS स्कूल है, शाहीन मॉडल स्कूल है, हबीब स्कूल है। तमाम स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है फिरते जाते रहते, यहाँ पर जो है टावर लग रहा। हम लोग टावर से नाराज़ हैं, इस टावर को जो है हमको नहीं चाहिए। लोग बोले हमको इस टावर से नुकसान है, हमको नहीं चाहिए टावर। हम अलैन कॉलोनी शाहीन नगर से आए साहब, यहाँ पर कमिश्नर जलपल्ली म्युनिसिपल ऑफिस को आए हैं। यहाँ अलैन कॉलोनी में जो है आमिना फंक्शनल के सामने अल हबीब स्कूल के बाजू में जो है एक 5G नेटवर्क का टावर पड़ रहा है वहाँ पर। वहाँ उसको रोकने के लिए यहाँ पर जलपल्ली म्युनिसिपालिटी को आगे तो कमिश्नर साहब को जो मेमोरेंडम भी दिए हैं, और इसको अगर यहाँ से रुक गया तो ठीक है, वरना नहीं तो यहाँ हमारे लीडर साहब को ले लेकर गया, और हमारे मगुल सादी साहब और इकबाल अली साहब को, हमारे हाजी भाई साहब मिलकर इंशाल्लाह तमाम कॉलोनी वालों को लेकर हम धरना भी करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। और दूसरी बात, हमारे लीडर साहब के साथ में कलेक्टर ऑफिस को भी जाएंगे, और जान तक भी जाना है, जा करके इसकी दूर दूर तक कार्रवाई करके इसको नहीं डाले तक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।